जी आपको सर, काशी विश्वनाथ मंदिर में एक वायरल हो रहा था स्पर्श दर्शन को लेकर के, एक लेटर वायरल हुआ जिसके बाद 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामला और अभी क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, एक तहरीर शिकायत के रूप में प्राप्त हुई जिसमें यह था कि जो मंदिर ट्रस्ट है उसकी छवि को खराब करने, लोगों की आस्था को चोट पहुँचाते हुए किसी ने एक ऐसा रसीद प्रस्तुत किया था जिससे प्रतीत हो रहा था कि स्पर्श दर्शन हेतु काशी विश्वनाथ मंदिर में पैसे लिए जा रहे हैं। प्राथमिक छान से जांच से पाया गया कि ये रसीद फर्जी है। इस तरह का कोई भी कार्य न तो ट्रस्ट की ओर से न ही मंदिर प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। इस आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, निष्पक्षतापूर्वक उसकी विवेचना कराई जा रही है, जो दोषी होंगे वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके पहले भी कई बार मंदिर को लेकर के कई चीज़ें वायरल की गई हैं, तो इसमें जो है क्लियर कट पे 8 लोग तो एक तरह से मतलब सामने आ चुके हैं, 1 अज्ञात हैं, तो कितनी बड़ी कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ जो अक्सर मुहिम चलाते रहते हैं वहाँ पे? देखिए, ये कतिपय लोग जिनके अपने निजी हित उससे जुड़े हुए थे, उनके द्वारा बीच बीच में मंदिर ट्रस्ट और मंदिर परिसर के विरुद्ध इस तरह के षड्यंत्रकारी करने की बात प्रकाश में आई है और उसी आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। हम निष्पक्षतापूर्वक इसकी जाँच करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित होगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।